ये है दिल्ली दर्पण। देश में किसान दिवस मनाया जा रहा है और आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखो, एक किसान जो अन्न उगाता है तो पूरे देश का पेट भरता है। आज वो सड़कों पर रोल रहा है, बच्चे बीबियों सब ठंड में मर रहे हैं। मोदी साहब को अपील है, फिर भी अपील करते शांतमय ढंग से कि हमारी मांगे माने और हम अपने घर को जाए। सर देखिए, जो हमारे बड़े नेता है, ठीक है, वो भी नेता बने थे, किसान थे, और उनके उनकी प्रेरणा से हम लोग जो है ये प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है सब गलत कर रही है, जो काले कानून इधर किसानों के ऊपर हर वर्ग के ऊपर ये बुरा प्रभाव डालेंगे। देखिए जी, जो किसान आंदोलन करते हैं ना जी, हम लोग मोदी से कुछ लेने कुछ नहीं आए। ज़बरदस्ती मोदी ने हमको थोपा गया कि ये तीन कानून तीन आर्डिनेंस जो दिए मोदी ने, हम उसको हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, भाई इसको वापस ले, हमको नहीं चाहिए, वापस ले लो इसको। अगर जिन्ना चिर घटिया सरकार ने साडिया तीन काले कानून रद्द ना किते, उन्ना चिर असी वापस नहीं जावांगे, तो ना असी जाण वास्ते ही आए हैं। जिन्ना चिर वापस करेगा वो जावांगे, बाकी ये राजा नहीं, ये भिखारी है। हमारी मांगे हैं जो तीन काले कानून है, जो ये किसान प्रोटेस्ट उसी के तहत चल रहा है, उसको रद्द करवाने के लिए हम इस धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। कि सबसे पहले किसी भी ग्रुप से कोई बात करनी हो, कोई कानून लागू करना हो, तो उनसे पहले मीटिंग करके फिर बाद में सेटल किया जाना चाहिए, ना कि ये मतलब धक्केशाही एक तरफा फैसला नहीं होना, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। हमारी जितनी भी जनता है सब यही बोलती है, मोदी जी भी अपने काले कानून वापस ले। बात ऐसी है जी, जो किसान दिवस मनाया जा रहा है वो हमारे हित में नहीं है। इस समय हम किसान दिवस से तभी सहमत होंगे अगर ये तीनों बिल जो भारत सरकार लेकर आई है इनको रद्द किया जाए और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। हम मजबूर हो गए, दिल्ली आया, दिल्ली हमारा राजधानी है, आ सकता है, पर बैरिकेड इसने लगाया, हमने नहीं रास्ता रोका, किसी को परेशानी नहीं, पूरा आसपास वाला इधर खाना खाता है, खुश है सब पूरा। ये जो इस समय मुद्दा चल रहा है वो है किसानों के साथ, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हुई है, और ये जिस हिसाब से सरकार का इतना लंबा प्रोसीजर ये चल रहा है, मेरे को नहीं लगता कि ये सब कुछ इतनी आसानी से सॉल्व आउट होने वाला है। किसानों का जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए, और क्या, इससे बढ़िया क्या हो सकता है किसान दिवस पर? पाँच साल भी अगर कहोगे ना, पाँच साल सरकार मोदी की है ना, पाँच साल भी अगर यहाँ खाना पड़ जाए ना तो खाना कम नहीं पड़ेगा। मोदी जी हम आपसे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, आप किसान भाइयों की आवाज सुन ले, नहीं तो ये आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि आपके कान सुन नहीं पाएंगे। इसलिए ये बता रहे हैं आपको कि आप किसान भाइयों की आवाज सुने, उनके जो कानून काले जो है उनको बिठा के तरीके से सुने, नहीं तो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। जो इन्होंने कानून बनाया सारे गलत बनाया सर, सब काले कानून को रद्द किया जाए, हम तो ये चाहते हैं सर। क्या नाम है आपका? जब ये नया प्रधानमंत्री बना था इसने बोला था 3 लाख रुपए सबके अकाउंट में है। आप मेरे को बताइए, आप मेरा इंटरव्यू आपके अकाउंट में आए हैं तो मुझे शो कीजिए। ये 100% झूठ बोलते हैं और झूठे ही हैं, ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर किसान दुखी है, हर व्यापारी दुखी है, कोई काम धंधे नहीं है, बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने देश का। यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी को अपने जो काले कानून पास किए हैं वो वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापसी लेना चाहिए। तो जब किसानों को ये सब किसान मजदूर सब ये बोल रहे हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, हम अपने पुराने बुरे दिनों में खुश हैं तो उनके अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, तो उनको वापस लेना चाहिए। पहले नोटबंदी में, फिर ये लॉकडाउन में, और अब ये किसान आंदोलन में कितने बेचारे मजदूर किसान भाई बेरोजगार हो रहे हैं और सड़कों पर मर रहे हैं, सो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। 2004 में गुजरात में बिहार में मंडी बंद है, जो एमएसपी पे गेहूं जीरी बिकता था वो केवल पंजाब और हरियाणा में बिकता था। इसीलिए हरियाणा और पंजाब के लोग जागरूक थे भी हमारा ये भी खत्म हो जाएगा।
नहीं नहीं, किसान के साथ होती सरकार तो ये तीन काले कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी सरकार को। मतलब यही है कि इन बिलों में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय किसान को और उसकी किसानी को बर्बाद करने के। ये सरकार सिर्फ अंबानी अंडानी की सरकार है। अपने तीनों काले कानून मोदी जी को वापस लेने पड़ेंगे और लेने भी चाहिए। वो तो खामखा वैसे ही बुरे हो रहे हैं, उसको लेना चाहिए। जब तक अपने तीनों काले कानून वापस नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक हम किसानों का हक लेके नहीं रहेंगे, हम यहाँ किसानों के साथ हैं। ये लंगर इसी तरीके से निरंतर चलता रहेगा। पर्पज ये है जी, किसानों को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई जो भूखा ना मरे, पैसा ना मरे, जो है किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो ज़रूरत तो जो लंगर की होती है, खाने की होती है, खाने की और सोने की। हमसे जो हो पड़ रहा है जी, हम अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, और जो कहेंगे जैसा भी होगा और कोई ज़रूरत होगी तो वो भी अवेलेबल करवाएंगे। और ये मुद्दा हमारा पंजाबियों का मुद्दा नहीं है, सिखों का मुद्दा नहीं है, ना ये किसानों का मुद्दा है। ये तो जो गवर्नमेंट काला कानून बना रही है, ये काला कानून नहीं है, ये ब्लैक मार्केटिंग को कानूनी रूप दे रहे हैं। हक मिले, साडा हक ही लैन आए हैं, तदे ने ठंड च मरन डे। हेल्थ कैंप में लगाने का क्या पर्पज़ है और क्यों आए हैं? सभी किसानों को सुविधा देने के लिए। यह हम हमारा हक लेने के लिए आए हैं। हम कृषि करने वाले हैं, धरती पुत्र हैं, हमारी मांगे लेने आए, पूरा कराने के लिए आए हैं। मोदी मारा जो रहेगा कहते जो, मारा जो रहेगा कहते जो, बेचार हाइक में मान तो जी मारेंगे नहीं मरेंगे, मार पर कोई लिहाज नहीं। जय जवान जय किसान, मारा हक लेना है रे माम, किसी ना कोई किसी का कुछ नहीं कहना है। पुलिस वाले मारे भाई हैं, जो भी मारे धरना बैठे हैं बहन भाई मारे सारे हैं माम, किसी का हमारी कोई लड़ाई है मारी है, हमारे हक पर लड़ना है रे माम, माम और किसी ना कुछ नहीं कहना है। मोदी ने कह मेरा किसान के चीज़ है, किसान वह चीज़ है जो खुद चढ़का और ना रोशनी देवा, वह चीज़ है। इसने कह मेरा था देश ने बेची तो चाह बेच के बना दिया प्रधानमंत्री, इसने कैसे मेरा भाई क्या करना, मैं कुकर पे आया इसने मेरे को नहीं दार कुकर काटनी है, जा कर ना मेरा लागा बस जाट पानी कुकर देवा। ऑनलाइन में नहीं, सरकार ने जो करा है, मेरे गांव से इसार मंडी लागे नज़दीक 12-13 किलोमीटर और मेरे गांव से 50 किलोमीटर नंबर दूर पड़ा है मेरा, और जबकि बाजरा का मेरा आया है को नहीं, बाजरा मैंने ऑनलाइन करवा रखा है लेकिन नहीं आया बाजरा का। इन नेताओं की पेंशन ही नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कोई आप लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई हैं, BSF, CRPF, ITBP या बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स और हैं जिनकी पेंशन नहीं है। रोजाना शहादत देते हैं बेचारे, उनकी पेंशन नहीं है, और ये चार दिन सत्ता में आ जाए इनकी पेंशन है। मैं तो पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, प्यारे देशवासियों, ये भक्ति छोड़ करके उन शहीदों की, उन सैनिकों की लड़ाई लड़ो। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर